वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसा मैं हमेशा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे DIY लेकर आती हूँ, आज भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा DIY लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे आपको क्लीन अप करना सिखाऊंगी कि आप घर पे ही अपना DIY होम रेमेडी बनाकर क्लीन अप कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उतना खर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्लर में जो भी हमारे स्किन पे उन लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं। तो हम घर पे ही नेचुरल वे में बेस्ट चीज़ें अपने स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप बता दूँगी, फर्स्ट क्लींजिंग, सेकंड स्क्रब एंड थर्ड फेस पैक। ये 3 चीज़ मैं आपको बनाना सिखा दूँगी कि आप कैसे बना सकते हो और अपने स्किन पे आपको पार्लर से बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन के डेड सेल्स, डर्ट, पॉल्यूशन, आपकी स्किन में जो भी ब्लैक हेड्स है सब चले जाएगी, आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी इस DIY के यूज़ के बाद। तो अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है और उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। मैं यहाँ पे क्लींजर के लिए मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कच्चे दूध का यूज़ करूँगी। मिल्क एक बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। ये आपके स्किन से डीपली ऑयल, डर्ट, पॉल्यूशन को निकाल देता है। आपके ब्लैक हेड्स को भी निकालने में ये हेल्प करता है। आपके मेकअप जो भी है एक्सेसिव ऑयल फेस में, ये सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्क्रब बनाने के लिए चावल का आटा ले रही हूँ। राइस फ्लावर बहुत ही अच्छा होता है एज ए स्क्रब। ये आपके ब्लैक हेयर डेड सेल को इजीली रिमूव करने में हेल्प करता है। और साथ ही मैं यहाँ पे कच्चा दूध ले रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र का बहुत ही अच्छा काम करता है, आपकी स्किन को डीपली नरिशमेंट करने में ये हेल्प करता है। अब मैं इस स्क्रब को पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और धीरे धीरे हल्के हाथों से मैं अपने फेस को स्क्रब करूँगी, स्पेशली ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के एरिया में। आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स इजीली रिमूव हो जाएगी इस स्क्रब से। आपको हल्के हाथों से अपनी स्किन को रगड़ना है। इस स्क्रब को आपको वॉश नहीं करना है, बस आप हल्के हाथों से इसे रिमूव कर ले, ये इजीली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फेस पैक बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। बेसन में मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। बेसन बहुत ही अच्छा होता है सनबर्न को हील करने में, साथ ही आपके एक्ने को भी हील करने में हेल्प करता है। और टर्मरिक तो आपको स्किन को फेयर बनाने में हेल्प करता है, साथ ही इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज पाउडर ले रही हूँ। ऑरेंज में विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में होती है जो हमारी स्किन को लाइटन अप करने में बहुत ही हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिर से दूध का यूज़ कर रही हूँ, रॉ मिल्क का। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दूँगी और ये एक बहुत ही अच्छा हमारा इफ़ेक्टिव फेस पैक बन के रेडी हो जाएगा जो हमारे स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। अब मैं थर्ड स्टेप फेस पैक अप्लाई कर लूँगी। अब मैं इस फेस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसे 10-15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। आफ्टर 15 मिनट्स आप अपने फेस को वॉश कर लो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्लीन अप किया है और मेरा स्किन कितना स्मूथ हो गया है।
तो आपको मेरा ये होममेड DIY क्लीनअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।